हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू मंदीप एजुकेशन अकेडमी यूट्यूब चैनल बच्चों है टारगेट 23 बैच जिसमें नीट 2023 और जे 2023 के लिए फिजिक्स की प्रिपरेशन करवाई जा रही है बहुत डिटेल में करवाई जा रही है इसके सारे लेक्चर्स अगर आपको देखने हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आप पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आ सकते हो और अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हो साथ ही साथ आप यहाँ से देखना शुरू कर दो अभी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन चैप्टर हमारा चल रहा है उस प्ले को स्टार्टिंग से देख के तीन चार वीडियो ही है उसमें अभी यहां पर आ सकते हो और पिछला ब्लैक, बैकलॉग अपना क्लियर कर सकते हो तो आपका पूरा सिलेबस विद पास्ट ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर्स एंड एवरीथिंग इस बैच में कवर हो जाएगा तो यहां पे मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो है मूवमेंट ऑफ एनर्शिया और मूवमेंट ऑफ एनर्शिया के सारे कॉन्सेप्ट्स में करवा चुका हूं पांच वीडियो में प्लस उन पांच वीडियोस के बाद मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था जो ठीक इस वीडियो से पहले वाला वीडियो है जिसमें मैंने उन सब कॉन्सेप्ट को एक वन शॉर्ट वीडियो में बना दिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया के तो अगर आप मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ए टू जेड बिल्कुल डिटेल में पढ़ना चाहते हो बेसिक से एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट तो आप इससे ठीक पहले वाले वीडियो में चले जाओ जो दो घंटे दो मिनट समथिंग का वीडियो है तो उसमें सारे कॉन्सेप्ट कवर्ड हैं अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मूवमेंट ऑफ एनर्शिया पे बेस्ड क्वेश्चंस पास्ट ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा सब कुछ कराऊंगा सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं नीट के पास ईयर क्वेश्चन से मूवमेंट ऑफ एनर्शिया पे बेस्ड और इसमें दो तीन तरह के मतलब एक तरह के क्वेश्चन से दो तीन बार आया हुआ है वो मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें घुसा के मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगा ठीक है तो वो जो क्वेश्चन आएंगे मैं बता दूंगा तो ये वाली बुक से मैं मूवमेंट ऑफ एनर्शिया के क्वेश्चन करा रहा हूं जिन क्वेश्चन में करा रहा हूं वो है क्वेश्चन थर्टी से लेकर फोर्टी तक इसका पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है डाउनलोड कर लो अगर आप मूवमेंट ऑफ एनर्शिया वाला टॉपिक पढ़ चुके हो तो डाउनलोड कर लो और अपने पास रख लो पहले खुद क्वेश्चन ट्राई करो नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखो ठीक है शुरू करें सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर सॉलिड स्फीयर ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज रोटेटिंग अबाउट इट्स डायमीटर सोलिड सिलेंडर ऑफ द सेम मासम रेडियस इज ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट इट जियो विद एंगर स्पीडियोटिक एनर्जी देखो बच्चे एनर्जी मूवमेंट ऑफ एनर्शिया में आया था टॉपिक तो कानेटिक एनर्जी की रेशियो पूछिए कॉनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा तो हाफ आई वन ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ आई टू ओमेगा टू स्क्वायर ये काइनेटिक एनर्जीज़ की रेशियो होगी ठीक है अब किस किस की निकालनी है एक तो सॉलिड स्फीयर है और एक सॉलिड सिलेंडर है तो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ एनर्जिया हो गया आई टू उसकी एंगुलर वेलोसिटी ले लो ओमेगा और हाफ हाफ से हाफ तो चलो ही दो सॉलिड सिलेंडर सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ एनर्जिया हाफ एम आर स्क्वायर और उसकी एंगुलर वेलोसिटी है टू ओमेगा दे रखा ना ट्वाइस तो यहां से एनर्जीज़ एनर्जी रेशियो आ जाएगी हाफ से हाफ कट गया और एम आर गया टू बाई फाइव ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कटेगा वन अपॉइंट फोर बचेगा फोर से ये टू कटेगा तो ये वन अपॉइंट टू बचेगा आंसर आ जाएगा वन इज टू फाइव ऑप्शन बी ठीक आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव

रॉड ऑफ लेंथ एल टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज एल तो बच्चों फॉर्मूला होता है अगर आपको नहीं याद तो समझ लो ये डिस्टेंस किससे से है एम वन से तो यहां पे आप लिखोगे एम टू इंटू टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास देखो टोटल लेंथ अपॉन टोटल मास तो लिखना ही लिखना है यहां पर वो वाला मास आएगा दूसरा वाला जैसे ये डिस्टेंस एम वन से तो यहां एम टू आएगा और एम टू से जो डिस्टेंस है वहां एम वन आएगा तो आर टू जो होगा वो होगा एम वन इन टू टोटल लेंथ बाय टोटल ठीक अब हमें यहां से डिस्टेंस पता चल गया यहां से डिस्टेंस पता लग गया तो टोटल मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द सिस्टम इज एम वन आर वन स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायेयर अब सिंपली आपने वैल्यूज पुट करनी है एम वन आर वन स्क्वायर इज वॉट इसका स्क्वायर तो एम टू स्क्वायर एल स्क्वायर बाय एम वन प्लस एम टू का स्क्वायर प्लस एम टू आर टू स्क्वायर एम टू इंटू आर टू इसका स्क्वायर एम वन स्क्र एल स्क्वायेर बाय एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर देखो क्या क्या कॉमन आ गया एक तो एल स्क् कॉमन आ गया एक एम वन प्लस एम टू का होल स्क्वायर कॉमन आ गया यह बचेगा यहां पे और यहां पे, तो यहां से भी एम वन एम टू कॉमन आ जाएगा और अंदर यहां एम टू बचेगा प्लस यहां एम वन बचेगा तो एम टू प्लस एम वन यह कैंसिल हो गया इससे सो फाइनली एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू एम वन एम टू बाय एम वन प्लस एम टू इन टू एल स्क् और यह होगा आपका कोई ऑप्शन दिस इज ऑप्शन है पहला ही ऑप्शन है ठीक अगला क्वेश्चन फ्रॉम अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड मास नाइन एम अ स्मॉल डिस्क ऑफ मास रेडियस आर बाय थ्री इज रिमूव्ड कंसेंट्रिकली द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट एन एक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू इट सेंटर एक डिस्क है जिसका रेडियस है आर जिसका रेडियस है आर क्वेश्चन नंबर जिसका रेडियस है आर और जिसका मास है नाइन एम उसके कंसेंट्रिकली एक डिस्क रिमूव कर दी जिसका रेडियस है आर बाय थ्री और मास है एम इसका रेडियस है आर बाय थ्री ये जो रिमूव करी है और इसका मास है एम तो जब भी कोई पार्ट ऐड होता है तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया ऐड हो जाता है रिमूव होता है तो उसका मोमेंट ऑफ एनर्जिया है निकालो। तो वो मूवमेंट ऑफ एनर्जिया होगा पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनर्जिया हाफ डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर तो हाफ एम आर माइनस हाफ एम आर बाय थ्री का स्क्वायर ठीक है तो नाइन बाय टू एम आर स्क्वायर माइनस वन बाय एटीन एम आर स्क्वायर ये हो जाएगा मेरा एलसीएम आ जाएगा एटीन यहां बचेगा नाइन नाइन इंटू नाइन एट्टी वन माइनस वन एम आर स्क्वायर एट्टी बाय एटीन यानी फोर्टी बाय नाइन एम आर स्क्वायर And forty by nine MR square is option A. Take question number thirty seven. <clears throat> the ratio of variation of circular disc to that of circular ring. ईच ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट द एक्सिस तो रेडियस ऑफ आपको क्या बताया था अगर आपको डिस्क का निकालना है तो आप एम के स्क्वायर को इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इक्वल पुट करेंगे एम से एम कट गया तो के इज आर बाय रूट टू और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है एम आर स्क्वायर यहां से के क्या आएगा आर तो इसका रेडियस ऑफ गायरिएशन के वन इसका के टू तो रेशियो के वन बाई के टू डिस्क बाय रिंग का पूछा है ना हां डिस्क पहले दिया हुआ है तो आर बाय रूट टू अपॉन आर बाय वन सो इट इज वन बाय रूट टू विच इज योर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन डी ठीक क्वेश्चन थर्टी एट टू बॉडीज हैव देयर मोमेंट ऑफ एनर्जिया आई एंड टू आई अबाउट देयर एक्सेस रोटेशन इफ देयर कनेटिक एनर्जीज आर इक्वल एंगुलर वेलोसिटी की रेशियो क्या होगी तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू इज हाफ आई वन ओमेगा टू स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी बराबर है कट गया मोमेंट ऑफ एनर्शिया की रेशियो क्या है आई और टू आई तो इसको काट के आएगा वन अपॉइंट टू सो वट इज ओमेगा वन बाय ओमेगा टू इट इज टू का रूट तो यही रेशियो हो गई रूट टू इज टू वन ऑप्शन सी क्वेश्चन थर्टी नाइन थ्री पार्टिकल्स ऑफ मास आर सिचुएटेड एट द वॉट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ए बी सी एज शोन द मूवमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ द सिस्टम अबाउट अ लाइन ए एक्स परपेंडिकुलर टू ए बी एंड इन द प्लेन बहुत इजी है ये तो कराया भी हुआ क्लास में ये ये वाली जो लाइन है ये तीनों एम 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 के हैं और ये वाली जो लाइन है ये 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 इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ एनर्जी क्या होगा तो इस वाले पार्टिकल का डिस्टेंस तो जीरो हो गया और इसकी साइड है एल तो ये एल हो गया और ये एल बाय टू हो गया सो व्हाट इज मूवमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ द सिस्टम एम आर स्क्वायर लगा दो सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको पता लग गया तो इसका जीरो होगा इसका होगा एम एल स्क्वायर प्लस इसका होगा एम इंटू एल बाय टू का होल स्क्वायर सो so, एम एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाय फोर फाइव बाय फोर एम एल स्क्वायर, ऑप्शन सी ठीक है फोर्टियथ क्वेश्चन अ सर्कुलर डिस्क इज टू बी मेड यूजिंग आयरन एंड एल्यूमिनियम सो दैट इट रिक्वायर्स मैक्सिमम मोवमेंट ऑफ एनर्जी अबाउट जियोमेट्रिकल एक्सिस इट इज पॉसिबल विद देखो एक सर्कुलर डिस्क बनानी है क्या क्या लेना है आयरन लेना है और एल्यूमिनियम लेना है तो कैसे बनाई जाए कि मोमेंट ऑफ एनर्जिया मैक्सिमम हो हम जानते हैं कि आयरन हैवी है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है तो यार उतना ही पीस आयरन का ज्यादा मैसिव होगा ज़्यादा मास का होगा उतना ही पीस एल्यूमिनियम का हल्का होगा तो मोमेंट ऑफ एनर्शिया होता है एम आर स्कोर अगर भारी मासिस को दूर लगाया जाएगा तो एम भी ज्यादा होगा और आर भी ज्यादा होगा तो ज्यादा मोमेंट ऑफ एनर्शिया रखने के लिए एल्यूमिनियम एक्सिस के पास पास लगाया जाए और आयरन दूर दूर लगाया जाए एल्यूमिनियम एट इंटीरियर एंड आयरन सराउंडिंग इट ये ठीक है अच्छा 41 और 42 इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो मैं तुमको कह रहा था कि मैं करवाऊंगा ंगुलर लेमिना के ऊपर एक पूरा डिटेल लेक्चर डालूंगा वहां से कराऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री फोर्टी थ्री का कह रहा है कि मिनिमम मूवमेंट ऑफ एनर्शिया कहां होगा आपको पता है 41, अच्छा फोर्टी वन ऐसे डिस्कस कर लिया फोर्टी वन फोर्टी टू छोड़ दिया फोर्टी थ्री मिनिमम मूवमेंट ऑफ एनर्शिया मूवमेंट ऑफ एनर्शिया मिनिमम कब होगा बोल रहा है तो आपको बताया था कि जैसे ये एल है और ये बी है तो जो एक्सिस एल के पैरल होता है उसमें बी आता है जो बी के पैरल होता है उसमें एल आता है यानी इसमें मोमेंट ऑफ एनर्शिया है स्क्वायर और इसका जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया है वो होगा एम बी स्क्वायर तो बी छोटा है बी छोटा है तो ये मोमेंट ऑफ एनर्शिया कम है ये इस वाले एक्सिस के अबाउट है और इस एक्सिस का नाम है ई तो ई वाला जो मोमेंट ऑफ एनर्शिया है वो सबसे कम है समझ आई बात आपको फोर्टी फोर क्वेश्चन फोर्टी फोर फ्लाई व्हील अ फ्लाई व्हील रोटेटिंग अबाउट एक्सिस हैज अ अनेटिक एनर्जी ऑफ थ्री सिक्सटी जूल एक फ्लाई व्हील है जिसकी कनेटिक एनर्जी कितनी है थ्री सिक्सटी जूल ंगुलर स्पीड इज थर्टी रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड इज थर्टी रेडियन पर सेकेंड द मूवमेंट ऑफ एनर्जिया ऑफ द व्हील अब व्हील क्या है फ्लाई व्हील क्या है डिस्क है तो डिस्क का मूवमेंट ऑफ एनर्जिया निकाल दो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है अच्छा डिस्क विस्क हमें पता हो ना पता हो दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दे रखी है तो आई डायरेक्ट आ जाएगा तो थ्री सिक्सटी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर तो सही वैल्यू डाली ठीक है तो so, I इज 720 ट्वेंटी डिवाइडेड बाय नाइन हंड्रेड जीरो से जीरो कटा 8 बाय टेन जीरो पॉइंट एट के जी मीटर स्क्वायर सो सी ठीक है अ रिंग ऑफ मासेम एंड रेडियस आर रोटेट्स अबाउट एन

ये ट्रायंगुलर लैमिना वाला पे अलग से वीडियो लेकर आऊँगा एक एक चीज ताकि आपको अलग से डिटेल में मैं करा सकूँ तो इतने क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लो आपको आइडिया लग गया होगा नीट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मोमेंट ऑफ एनर्शिया से तो ऑल द बेस्ट कल मिलता हूँ तब तक के लिए ऑल द बेस्ट